राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का पौने 7 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज बना हुआ है अब ब्रिज के ऊपर में और दोनों साइड में बस्ती है, देख सकते हैं। सुबह का नज़ारा देखिए, सूरज भगवान उदय ले चुके हैं और हम लोग भी थोड़ा रोक के टाटा देख लेते हैं। तो देखिए सामने डिवाइडर के ऊपर में कितना सुंदर, कितना विचित्र अच्छा लग रहा है। ये फूल लगा हुआ है 4 लाइन में डिवाइडर के बीच में, देख सकते हैं नज़ारा आप लोग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हम बोले चलो भाई। और बगल में देखिए चारों तरफ खुला जगह है, नीम का पेड़ है सारा, ये नीचे बस्ती है। तो हम लोग फिर निकलते हैं यहाँ से, आगे हम लोग का संगोला जो आनंद ढाल पुल टैक्स है वहाँ पे पार करके थोड़ा चाय पीते हैं, क्योंकि पूरा नाइट हमने गाड़ी चलाया, आराम आराम चलते रह गए। और चंदन बाबू हमार पूरा सोए, खूब सोए, मालूम नहीं आज क्या हो गया था इनको, इतना सोते नहीं थे लेकिन बहुत सोए। हम चलिए आराम कर लीजिए, अच्छा लगा, बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग निकलते हैं। ये देखिए यहाँ हम लोग पहुँचे 7 बजे, यही आनंद ढाल पुल टैक्स है टूल प्लाजा, और यहीं पे हमारा मोबाइल दोनों चोरी हुआ था और कपड़ा मेरा चंदन बाबू को ले गए थे और पैसा काट के ले गए थे। जब आता हूँ ना तो हमको इस जगह को याद आ जाता है, कहीं से भी आता हूँ उधर से चाहे इधर से, यादगार बन जाता है, क्योंकि भुलाने वाला तो चीज़ है ही नहीं कि कोई भुला सकते हैं। ऐसा होबे किया है मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, तो क्या किया जाए, अभी तक से कोई आता पता नहीं चला। लगाता हूँ फोन तो बोलते हैं थाने में कि थोड़ा देर में बात करता हूँ, उसके बाद में मालूम नहीं क्या बात है। आज फ़ोन लगाऊंगा, उन लोग से बात करेंगे, विस्तार से बोलेंगे सर बताइए क्या हुआ, कुछ पता चला तो क्या सूचना देते हैं। देखिए तो देख सकते हैं यही जगह है, देखिए वो पीला वाला गाड़ी खड़ा है ना, बॉडी वाला, बस वहीं पे वो ठेला है ना, एक पीयूसी लिखा हुआ है, वहीं पे हुआ था, बैग वो मेरा फेंके थे। चलिए ये देखिए हम लोग संगोला पार करके हम लोग खड़े हैं ब्रिज के ऊपर में और रजेश भैया मिल गए, इधर से जा रहे थे हम इधर से आ रहे थे, और कहीं रोकने का जगह नहीं है तो सामने। और रजेश भैया कैसे, क्या हाल चाल समाचार? बढ़िया है, और ठीक है। अब यहाँ तो चाय चुई भी नहीं है, यहाँ चाय कहाँ से मिलेगा? सब सफर कैसा रहा है आपका? एकदम मस्त रहा। अभी कहाँ का माल लोड किया है? माल लोड है मेरा कलकत्ता झूलागढ़ का। झूलागढ़ का, तो फिर वो टायर फट गया, उसको बदली कर लीजिए। हाँ रास्ते में देखेंगे, कहीं टायर वाले से कराएंगे। तो रजेश भैया मिल गए, फोन किए थे हम लोग, तब तो यहाँ बीच में कुछ आइए नहीं है तो क्या किया जाएगा। तो अब आगे हम भी पियेंगे चाय, हो ये भी इधर जाके चाय पियेंगे कि ना ना हो। ये कागल MIDC और पहुँच गए, देखिए ऐसे बाएं मुड़ेगा MIDC के लिए कागल, यही चौक है देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए हम लोग मुड़ गए MIDC, बहुत दूर है MIDC, अंदर में है बहुत ज़्यादा ना बाबू। दो तीन बार माल लेके आ गए, 3-4 बार यहाँ पे हम। अंकली हम लोग पहुँच गए दोस्तों, और देखिए यहाँ से हम बाएं जाएंगे
और दहीने चल जाएगा सांगली, ये जो चौक से दहीने सिटी में चल जाएगा और देखिए आगे हम निकलेंगे, आगे से फिर पकड़ते हैं रोड, देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है, भीड़ नहीं है। हम लोग पहुंचने वाला है कोल्हापुर अभी, वो पुणे हाईवे बेंगलोर रोड पे। तो चंदन बाबू जो एड्रेस दिया हुआ था बिल्टी में ना, तो उसमें बोले तो लोकेशन मारे इन्होंने, तो लोकेशन बताया गागल एम आई डी सी का। तो फिर पार्टी का हम लोग नंबर लिए, फ़ोन किए तो बोले भाई कि लोकेशन भेजिए, तो जो चंदन बाबू लोकेशन मारे थे ना वही लोकेशन जो भेजे ना, तो मारे तो वही एड्रेस वही लोकेशन आया उसमें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अतिगिरी हम पहुंच चुके चौक में, देख सकते हैं एनएच रोड सामने हैवी नेशनल, ऊपर ऊपर ब्रिज बना हुआ है और इस जगह का नाम है अतिगिरी। और हमको जाना है बाएं साइड, यहाँ से गागल एम आई डी सी के लिए मुड़ना है और ये सीधे चल जाएगा सिटी में दहीने से घूम के आगे। देखिए छोटा गाड़ी जाम लग गया, ये आ गए हम लोग एनएच रोड नेशनल हाईवे पे, जो बेंगलोर चल जाएगा, बेलगांव जाएगा और पीछे वाला चल जाएगा पुणे, देख सकते हैं हम लोग आगे चलना है, आगे बढ़ते हैं। ये जो बाएं रास्ता काटा ना, ये गोखुल MIDC चल जाएगा रास्ता, ये जो बाएं वाला गोखुल MIDC, और अपने को सीधे जाना है कागल MIDC। तो आगे जाएंगे 3-4 किलोमीटर तो कागल आएगा 5 किलोमीटर। ये हम पहुंच गए हैं मिरज इलाका में और ये उपवार चल जाएगा MIDC ये ब्रिज के नीचे से, देख रहे ना मिरज लिखा हुआ है ना, ये मालेगांव, ये चल जाएगा दहीने ब्रिज के नीचे से MIDC चल जाएगा। तो हम लोग पार कर रहे हैं और ये सीधा बन गया 4 लाइन कंप्लीट, कोल्हा सांगली तक जाके चौक में मिल जाएगा वहाँ, आराम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं था। ये बिल्टी हमारे हाथ में आ चुका है, अब जा रही इसको जमा करने के लिए गेट, बगल में ही गेट है, जाते जमा करने के लिए गाड़ी से उतर के। दोपहर का 1:30 बज चुका है और देखिए हम लोग का दाल भात चोखा बन गया, आज हम लोग का काचा प्याज डाले हैं और मरचाई हरा डाले हैं और सरसों का तेल पकाए नहीं हम लोग, और सामने धूप आ रहा था तो चादर लगा दिए हैं, आगे से देख रहे हैं। और पूरा यहाँ खुला जगह है, देखिए बहुत बड़ा पार्किंग है ये गोडाउन का। तो हम लोग खाना खाते हैं, काहे कि हम सो गए थे तो चंदन लोग बना के सब रेडी कर दिए हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं। जय मान पूर्ण, जय मां, जय मान पूर्ण। तो करते हम लोग भोजन, भूख तो लगभग किया है, रात में हम लोग गुरुद्वारे में जो खाए थे ना, फिर हम लोग नहीं खाए, शाम को तो खाना खाए थे हम लोग। तो जय हमने 11 बजे यहाँ पहुँच गया था
और कागज़ जमा कर दिए थे। तो बातचीत चल रहा था कि शाम को गाड़ी खाली होगा, बोले पहले हम लोग लोड करते हैं दिन में सारा दिन और खाली गाड़ी, और लोड गाड़ी शाम को हम लोग खाली करते हैं 6-7 बजे लगाते हैं काम। तो अभी तो आपको 6:40 हो चुका है लेकिन अभी तक तो कोई खाली करने का सूचना नहीं आया है, और हमारे पहले 3 गाड़ी है खाली करने का, वो सभी गाड़ियाँ खड़ी है। और देखिए जितना हाफ डरा गाड़ी है ना, देख सकते हैं ये सब लोड करके खड़ा है और लोड हो रहा है गाड़ियाँ, देख सकते हैं आप लोग सामने हम भी खड़े हैं। अभी कोई तरह का सूचना आया नहीं, तो देखिए कब तक वो लोग खाली करता है। अब हम लोग तो पहुँचाना काम था मेरा, हम तो पहुँचा दिए और हम लोग आके खाना वाना खा के सो गए थे। तो अच्छा मौसम भी ठंडा हो गया है, दोपहर में देखबे किए सामने धूप आ रहा था, चादर लगा दिए थे धूप रोकने के लिए। अभी शाम का मौसम हो गया, बड़ा हवा मस्त चल रहा है और ठंडा ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है, बड़ा रिलैक्स लग रहा है। और देखिए जाते हैं थोड़ा सा हम लोग बाहर में, देखते हैं नज़ारा कैसा है रोड के बगल में। कंपनी के बाहर हम लोग आ गए हैं थोड़ा टहलने के लिए, और बहुत सुंदर, अच्छा इतना सुंदर लग रहा है, हवा चल रहा है मस्त ठंडा ठंडा, आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का, और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। ये देख सकते हैं ये सब खेती भी है, गन्ना लगा हुआ है, ऊपर हम लोग पहाड़ी पर खड़े हैं, और देखिए नज़ारा पेड़ पौधा लगा हुआ है सामने सब, इतनी मस्त हवा दिख रहा है ठंडा ठंडा ना। और देखिए डैम है बगल में, आपको दिख रहा है ना नीचे खाड़ी में, वो डैम है सामने सब, और बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा दिख रहा है, और सुहावन जगह है, सुंदर है। और देख सकते हैं आप लोग बगल में पहाड़ी पे हम लोग हैं, और वही प्लांट है रोड के बगल में, 2 MIDC का जो रोड जाता है ना, वहाँ से हम लोग दूर आ गए हैं थोड़ा इधर आपको घूमने के लिए टहलने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, नज़ारा ऐसा होना चाहिए, शाम के टाइम का नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ का है। देखिए पूरा इतनी सुंदर इतनी बेहतरीन अच्छा दिख रहा है ना कि क्या बोला जाए, लेकिन दिन में थोड़ा कटाउन टाइप पे दिखता है, रौनक नहीं लगता है, लेकिन शाम में रौनक लगता है, अच्छा लगता है। तो चले हम लोग घूमने के लिए, घूमे हम लोग चले यहाँ पे, और देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है MIDC कि गागल MIDC अंदर जाता है, बहुत अंदर में है इंडस्ट्री एरिया, हम लोग तो थोड़े दूर में आता है 1-2 किलोमीटर में, लेकिन 5-6 किलोमीटर अंदर में है। तो हम लोग चलते हैं फिर बात करते हैं क्या बोलते हैं खाली करने के लिए, ठीक है दोस्तों। रात का टाइम बज गया 9, और देखिए आज हम लोग बहुत दिन के बाद तड़का बनाने जा रहे हैं, तो गाड़ी मेरा खाली नहीं हुआ, ये लोग बोलते हैं कि 6-7 बजे हम आपको गाड़ी लगाएंगे खाली करने में, तो हम बोले चलो बैठे बैठे टाइम पास किया जाए। तो आज उड़द चने का दाल हम लोग बना रहे हैं, और देखिए सब मिक्स दाल है इसमें, राजमा वजमा चना दाल उड़द मसूर मूंग सब इसमें, काला उड़द सफ़ेद उड़द, तो हम धो दिए अच्छी तरीके से, और देखिए इसमें डाल रहे हैं कुकर में, काहे कि बगैर कुकर के बनेगा नहीं, ठीक ना। और दाल काफ़ी हम थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं कि सवेरे अब क्या बनाना है अभी ये बना लेते हैं, ताम झाम ज़्यादा करने से ठीक नहीं रहता है, कल और कुछ बना लिया जाएगा, चावल वावल चाहे रोटी बन जाएगा। बढ़िया से धो दिया अच्छा तरीके से, तेल डाल दिए कढ़ाई में, और जीरा है, जीरा डालते हैं, तेजपत्ता डालते हैं, तो तेल हमारा देखिए गर्म हो गया है, तेजपत्ता डाल दिए हैं, इसको चला देते हैं, और आज हम लोग का बहुत दिन के बाद तड़का बन रहा है गाड़ी में, तड़का इधर देखिए उबाल दिए हैं कुकर में, देख सकते हैं आप लोग। तो आज तड़का बनेगा हम लोग का उड़द चना का है, उसमें राजमा है 2 किस्म का, मूंग है, काला उड़द है, सफ़ेद उड़द है, मसूर भी दाल है, तो तड़का आज बनाते हैं हम लोग अच्छा से, बहुत दिन हो गया खाया हुआ। प्याज डाल दिए, प्याज को हाफ भुजाई करेंगे इसको, प्याज मेरा हाफ भुजाई हो गया, देखिए ज़्यादा भुजने से क्या होता है ना कि स्वाद चेंज हो जाता है, इसकी वजह से इतना भुजाया, इसमें टमाटर छोड़ रहे हैं, देखिए डाले टमाटर मिला देंगे, थोड़ा पक जाएगा हाफ, उसके बाद हम मसाला डालेंगे, मसाला डाल देते हैं, मिला देते हैं बढ़िया से थोड़ा सा 1-2 मिनट। तड़का में मसाला कम क्यों डलाता है पापा? मसाला कम डालने से तड़का का स्वाद जो है ना अच्छा लगता है, ज़्यादा कड़ू हो जाता है ज़्यादा मसाला डालने से, इसलिए तड़का मसाला कम डालना चाहिए। देखिए ये तड़का का जो प्याज लहसुन मरचाई अदरक इसमें जला हुआ है, कितना मेरा गल गया सब, मसाला भी डाल दिए, अब इसमें हम तड़का डालने जा रहे हैं, पक गया सब,
देखिए ये टाका है, उबाल दिए है, इसको डाल दे रहे हो, अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा खोल जाएगा दो चार मिनट, पानी की जरूरत पड़ेगा इसमें डालेंगे, थोड़ा पहले मिला लेते हैं। सिंपल तड़का है, सादा एकदम मस्त। धनिया पत्ता नहीं है हम लोग के पास में, लेकिन कस्तूरी मेथी हम रखते हैं, देख कस्तूरी मेथी डाल दे रहे हैं तड़का में, डाल के मिला देंगे ना, स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसको मिला देते हैं, ये आटा सान रहे हैं, चंदन बाबू को नींद आ रहा है तो देखें कि भंगवा रहे हैं, तो हम बोले आटा सान देते हैं, कहीं इधर उधर सानने में इनका हाथ वाथ होएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम आटा सान रहे हैं और देखते हैं रोटी बना पाते हैं। ये देखिए रोटी फूल रहा है, बन रहा है, चंदन बाबू देखिए रोटी पर रोटी रख के फुला रहे हैं, हम आटा सान दिए थे, चंदन बाबू को नींद आ रहा था तो हम बोले बाबू रोटी आप बना दीजिएगा, हमको पलाथिया मार के बैठने में दिक्कत होता है ना, इसीलिए। ये चंदन बाबू का हमारा रोटी बेलने का आप लोग देख लीजिए इनका तरीका कैसे है, रोटी उनसे घूमता नहीं है चौकी के ऊपर, तो उठा उठा घुमाते हैं रोटी के और तब बेलते हैं। रात का टाइम बज गया 12 और देखिए हमारा तड़का निकल रहा है, अब खाते हैं बाप बेटा, उसके बाद में आराम करेंगे, अब 6 बजे बोला लो 7 बजे गाड़ी खाली करने का, देखते हैं सुबह, बोल तो रहा है लोग क्या करता है, लोग खाली करता है कि कल भी लटकाता है, कितने बजे तक करता है। निकल गया हम लोग का तड़का और हम लोग भोजन करने जा रहे हैं, तो जय मानपूर्णा। जय तो खाना हम लोग खाते हैं, देखते हैं कैसा तड़का बना है। टाइम 12:15 बज चुका है और रात के, और हम लोग का भोजन हो गया, खाना वाना खा लिया, हम लोग आराम करते हैं, क्यों ये आराम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मच्छर लग रहा है, मच्छरदानी हम लोग लगाएंगे, और कल सवेरे बोला है लोग 7 बजे 6 बजे गाड़ी, कहीं जाइएगा नहीं गाड़ी में रहिएगा, तो हम बोले भाई साहब हम लोग का गाड़ी है, घर द्वार है, और हम लोग परदेसी आदमी है, लोकल थोड़े हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे गाड़ी छोड़ के, हम लोग यहीं रहेंगे गाड़ी में ही रहेंगे, बोले ठीक है। अब सवेरे देखते हैं कितना बजे वो लोग आते हैं, तो हम लोग का मन पसंद आज खाना बना था, तड़का बहुत अच्छा बना था मस्त, तो हम लोग आज अब आराम करते हैं, तो आज का ब्लॉग हम लोग समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।